दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कॉबी भाई पार्ट टू। यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ चुके हैं कॉबी भाई में, तो पहले आप उसको पढ़ लेना तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, भेड़िया का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। नए रिश्ते टूटने के लिए नहीं बनते, मौत भी उन्हें नहीं तोड़ सकती। तुम्हें वापस लौटना होगा कॉबी, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम वापस लौटोगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कुछ रिश्ते दुश्मनी के होते हैं जो बनते ही टूटने के लिए हैं। जिंग जिंग, आज पाताल तक भी तेरा पीछा करेंगे बुड्ढा भाई। असम की जमीन पर ही जाएगी तेरी जान, मगर तेरी लाश हम हेलीकॉप्टर से हेलीपैड बिल्डिंग पर लेकर जाएंगे। मुंबई में अपन के छोटे भाई और बड़ा भाई का इलाज चलेगा। ओह ये कौन, तो तू गोली चला दे दोनों को ठंडा कर दे। याद में यह राक्षस, उफ कौन है अजीबोगरीब प्राणी, इसे देखकर तो मैं खुद ही ठंडा हो रहा हूं। कॉबी की मौजूदगी ने सबके तिरपन कपा दिए थे। गोखलाई वह हड़बड़ाहट बड़ाट में चली गोलियों में से एक कॉबी की जांघ को चीर गई। जिंग जिंग, बचो। दर्द की जो भीषण लहर कॉबी के शरीर में दौड़ी, उसने कॉबी के गुस्से की आग में घी का काम किया। उफ, पूरा पेड़ उखाड़ दिया वंडरमैन। बदमाशों के हौसले पेड़ की जड़ की तरह ही उनका साथ छोड़ रहे थे। पेड़ जड़ जड़ समेत उखाड़ दिया। कूदो, वो पेड़ को हम पर फेंक रहा है, पहले इसी को मार डालो। अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा है और ये कह रहा है इसे मार डालो। इसकी पूंछ, ओ नो, ओह, इसकी पूंछ के आगे गोलियों व बंदूकों की कोई औकात नहीं। खून डालो इसे। चुम जिंग जिंग, मगर उन्हें क्या पता था कि कॉबी गली मोहल्ले में बैठे बूटा बुनो का बूटा नहीं था। ऐसी की के पहले खाई होती तो शायद इनमें में से एक भी गुंडागर्दी के धंधे में कदम आगे न बढ़ाता। थौड़ थौड़, ये दृश्य देख लेता तो गुंडों जैसी आवाज बकरी की मैमे में बदल जाती। और ये सीन देख लेता तो शायद अपने चेहरे से गुंडागर्दी के सारे नकाब भी नोच नोच कर फेंक देता। गदा इसके हाथ में कहां से आ गई, ये भेड़िया देवता मदद। हमारा हेलीकॉप्टर कहाँ खड़ा है, वो उत्तर में शायद दक्षिण में शायद पश्चिम में। बेचारे को पता नहीं था कि अब उनकी आत्माएं एक ही दिशा को कूच करनी थी, और वो भी बिना हेलीकॉप्टर के, यानी सीधे नरक को। कॉबी ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से एक के मांस के परखचे उड़ा दिए। जल्लाद है ये तो, गदा प्रकट हो गई, जल्लाद है या देवता। हैंड ग्रेनेड से उड़ा दूंगा तुझे, कॉबी की पूछ बला किसी तेजी से बम पर झपटी। बूम, ओह, उसने बम को पूंछ में लपेटकर उसी बदमाश के सिर पर फोड़कर उसी के चीथड़े उड़ा डाले। पूंछ भी उड़ गई, मगर क्षतिग्रस्त पूंछ के स्थान पर नई पूंछ उगाई। वंडरफुल, क्या ताकत है, क्या शरीर है, क्या सूरत है, तुम्हारी पूंछ लाजवाब है। गदा के क्या कहने, मुंबई में तुम्हें देखकर लोगों का सुसु निकल जाएगा। तुम यहां सब में क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मुंबई का राजा बनाऊंगा। ओ, तुम्हारे गांव से खून बह रहा है। कॉबी महसूस कर चुका था कि बुड्ढा भाई उसके लिए खतरा नहीं है। ये गांव तुम्हें मेरे कारण मिला है, माफी चाहता हूँ, मगर शुक्र है गोलियां अंदर नहीं धसी, सिर्फ रगड़ती हुई निकल गई। मेरे साथ आओ, पास मेरी कार है, उसमें फर्स्ट एड का सामान है, मैं तुम्हारी पट्टी कर दूंगा। मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूं, मैं मुंबई के ड्रग्स माफिया गैंग का डॉन हूँ, यानी नशे का धंधा है मेरा। इस धंधे में और भी कई डॉन सक्रिय है, जिनमें छोटा भाई और बड़ा भाई मेरे प्रतिद्वंदी हैं। अपनी टांग ऊपर करो, मरहम लगानी है। अरे गाओ, कहाँ गया, भर गया, भर गया बिना दवा के अपने आप। हाँ ऐसे ही होता है। एक और शानदार कमाल चमत्कार अपने बारे में आगे बताता हूँ। मुझ पर हमला करने वाले गुंडे बड़ा भाई ने भेजे थे, वे मेरी जान का दुश्मन है, क्योंकि मैंने उसके छोटे भाई को जेल भिजवाया है। वो मुझे मारकर पूरे मुंबई शहर के अंडरवर्ल्ड पर
अपना राज कायम करना चाहता है। मुंबई से मैं यहाँ से चाय लेने आता हूँ। असम की चाय दुनिया भर में मशहूर है। चाय की आड़ में मेरा ड्रग्स का धंधा आसानी से चलता है। बड़े भाई का और मेरा मेरा धंधा एक है, मगर तरीके और उसूल अलग है। मैं शांति से काम करना चाहता हूँ, मगर वो लोग सारी मछलियाँ खुद खाना चाहता है। हाँ, यही तो भेड़िया भी चाहता था। वो पूरे जंगल का देवता बनना चाहता था, अब पड़ा होगा मौत के मुंह में। तुम कमाल के हो, गजब के तुम्हारी पावर्स। तुम्हारी जगह सामने मुंबई है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो वहां हम मुंबई पर राज करेंगे। बोलो, क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगे? मैं तुम्हें वहां के अंडरवर्ल्ड का राजा बनाऊंगा। लो, इसे पी लो, दर्द कम हो जाएगा। राजा, अगर तुम नहीं चलना चाहते तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं कहूंगा, पर अपना नाम तो बताओ। कॉबी हिक। कॉबी पर नशा सवार हो रहा था। उसके कदम असम की जमीन से उखड़ चुके थे। फट फट फट। मुंबई जिसका नाम जुबान पर आते एक एक और नाम और भी जुबान पर आता है। मुंबई जिसके चेहरे के साथ ही एक चेहरा और भी आंखों के सामने कौन जाता है। मुंबई यानी डोगा, डोगा यानी मुंबई। चकले पुलिस से बचे तो डोगा आ गया। डोगा आ गया तो तेरी पैंट को नीचे उतर रही है। चलती बस में वो हमारा क्या उखाड़ लेगा? अबे और ड्राइवर की औलाद, तेरे पाँव में जितनी ताकत है और शरीर में जितना दम, पूरा पूरा बस का एक्सीलेटर दबाने में लगा दे। बस रुकी तो तेरी सांस में रोक दूंगा। बड़ 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 ब्र। सकले ये तो बस के रास्ते से हट ही नहीं रहा। बड़ बड़। जब कुत्ते की मौत आती है तो बस के नीचे आकर ही मरता है। डोगा बस के नीचे आकर कुत्ते की मौत नहीं मरता खनाक, बल्कि बस के अंदर आकर तुम जैसे आवारा वैकट खने कुत्तों को मारता है। जिंग जिंग उफ आह। ड्रग्स का धंधा करोगे तो पुलिस पीछे पड़ेगी, पुलिस से बचोगे तो डोगा पीछे पड़ेगा। यह धंधा तुम्हारी सांसों के साथ ही बंद हो जाएगा। जाओ आह। भारी अमराज के दूत तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आह। तब ड्राइवर पुलिस इस बस के पीछे है। मेरे उतर जाने के बाद उन्हें बताने की डोगा लोगअप भरकर समस्या को दोबारा सिर उठाने का अवसर नहीं देता। गति कम करो। उन्हें बताना कि जालिम और खूनियों के लिए डोगा बनाओ। डोगा समस्या को जड़ से खत्म करता है। अगर डोगा उन्हें न रोकता तो इन पैकेटों में भरा जहर न जाने कितने लोगों तक पहुंचकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर डालता। सर, ड्रग्स के पैकेट। माल बड़े भाई का था, आदमी भी उसके थे। डोगा के कारण 10 लाख का फटका लग गया। एक तरफ बुढ़ा भाई ने मेरा जीना हराम कर रखा है, जो असम में मेरे आदमियों को मारकर बच निकला है, और दूसरी ओर डोगा ने। बड़ा भाई एक शानदार खबर है। बुढ़ा भाई का 2 करोड़ का ड्रग्स आ रहा है। अगर ये माल हमारे हाथ लग जाए तो हमारा नुकसान पूरा हो सकता है। गुड। ये ट्रक हमारे गोदाम में पहुंचेगा, हमारे आदमी पुलिस वेश में। हा हा हा, समझ गए ना मैक। नकली पुलिस नाके पर नकली पुलिस का जबरदस्त पहरा था। MRH 5088 वही ट्रक है, घेर लो। रोको, स्टॉप। फनन फनन में ड्राइवर को दबोच लिया गया। दरवाजा खोलो, सावधान, अंदर और आदमी हो सकते हैं। दरवाजा तो खुला मगर अंदर आदमी नहीं थे। ओ कुत्ते, ये कुत्ते नहीं है, वे भेड़िए हैं। ओफ, गोली चलाओ। ओफ, गुर, भेड़िए कहां से आ गए? ये गोली चलाने से पहले ही मैं फाड़ खाएंगे। पोजीशन लो, फायर। निश्चित रूप से गोलियां चलती और वो भेड़िए मारे जाते, लेकिन संभावनाएं बदल गई। लंबी पूछ, स्क्रीच। ओफ, लंबी पूछ ने उन्हें प्लग झपकते ही ट्रक में खींच लिया था। ट्रक में क्या हुआ था ये किसी को नहीं पता। आह, उफ, ओ गॉड। जिन्हें पता था वो फिलहाल कुछ भी पता पाने के काबिल नहीं रहे थे। दौड़ दौड़। आह, ट्रक बैरियर तोड़ भागा। गुर, उफ, तोड़। लेकिन मुंबई की सड़कों पर बैरियर सिर्फ पुलिस ही नहीं लगाती, च्यूम टाक डोगा भी लगाता है। वीडियो से निपटेगी मेरी कुत्ता फौज, और जो अंदर है उससे मैं निपटता हूँ। उफ, सिर से पांव तक नशे में डूबी आवाज उभरी। एक, तुझे अंदर आने की जरूरत नहीं है, तू बाहर रह। एक, ऑफ,
क्योंकि मैं तुझसे निपटने बाहर आ रहा हूं। ठीक गुरु, मेरे ट्रक पर गोली तूने चलाई है ने? तू ऑफ दोगा की आंखें उसे देखकर आश्चर्य से फैली थी। को भी तू यहां मुंबई में कैसे आया? वो मुझे तो वीडियो को देखते ही समझ जाना चाहिए था कि ट्रक में तू है। मैं तो सोच रहा था ही ट्रक में कोई खतरनाक अपराधी होगा, क्योंकि यहाँ जो पुलिस थी उसको मिली सूचना के मुताबिक इस ट्रक में ड्रग्स हैं। ठीक, तेरी आवाज से मुझे सकोरा को भी कहीं भूल से तूने वो ड्रग खातों नहीं ली। ठहर, मुझे अपना मुंह सूंघने दे। धौड़, ओह असम के जंगल की ये आफत यहाँ मुंबई में कैसे आ पहुंची? कौन लाया है इसे यहाँ और क्यों? क्योंकि अकेला तो ये यहाँ किसी भी सूरत में नहीं पहुंच सकता था। वो भी उस ट्रक में गैर कानूनी सामान है, तू उस ट्रक में कहीं नहीं जाएगा। अगर तुझे पुलिस ने धर लिया तो तू लंबा नप जाएगा। ये जंगल नहीं है, तू यहाँ के सख्त कानूनों से वाकिफ नहीं है। इससे पहले कि तू किसी भयानक मुसीबत में फंस जाए होश में आ जा। ठीक, मैं तो होश में हूं मगर तू होश में नहीं है। मैं तेरे होश ठिकाने लगा देता हूं। वो भी मुझे पहचान, मैं हूं डोगा, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, हम कई बार मिल चुके हैं। लेकिन अगर तू मेरे रास्ते में आया तो हम दोबारा नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। धड़ाक, ये इस वक्त शायद नशे में होने के कारण शायद मुझे पहचान नहीं पा रहा है, इसकी अकल ठिकाने लगानी होगी। ओह मेरी पूंछ खींच रहा है। धौड़, अभी दिखाता हूं तुझे इस पूंछ की ताकत। ओफ, आज के बाद कोबी की पूंछ को मत छेड़ना। धड़ाक, इसने तो मुझे बुरी तरह से जकड़ लिया है। ओह ये आवाज सुनकर अब मैं यहां नहीं रुक सकता। बुड्ढा भाई ने इससे बचने को कहा था। वो वो ये पुलिस के सायरन की आवाज पहचान रहा है। ओह ये मुझे पूंछ में बांधकर कहां ले जा रहा? कहीं ये मुझे ऊंचाई पर ले जाकर नीचे फेंकने के चक्कर में तो नहीं है? कोबी की मोटी बस पशु बुद्धि कुछ भी कर सकती थी, मगर फिलहाल गनीमत थी कि कोबी ने उस वक्त ऐसा कुछ नहीं किया। अरे ये क्या, इसने तो मुझे जमीन से 100 फुट ऊपर लाकर इस क्रेन के हुक पर टांग दिया और भाग निकला। ये तो भाग निकला, पर अब मैं कैसे भागूंगा? यहाँ पुलिस बैरियर कब लग गया? सरिन के जूते देखे, पुलिस वालों की पहचान जूतों से होती है, ये असली पुलिस नहीं है। ऊपर से गोलियां टपक रही हैं। अरे ऊपर कोई लटका है। अगर मैं पहचानने में भूल नहीं कर रहा हूं तो ये साया डोगा का है। वो डोगा है, वो लोग मुझे देख चुके हैं। डोगा क्रेन के ऊपर क्यों टंगा हुआ है? आज का दिन लक्की है, प्रमोशन पक्की है। घेरा लगा लो, उसे जाने मत दो। डोगा को निशाने पर लो। क्रेन का बार नीचे जा रहा है। गुड, जमीन से सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंचते ही मुझे अपनी बेल्ट खोलने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये लोग सोच रहे हैं कि ये मुझे घेर रहे हैं, जबकि मैं जानता हूं कि मैं इन्हें घेर रहा हूं। काश ये लोग भी मेरी कुत्ता फौज की तरह अल्ट्रासोनिक विशल सुन पाते, जो केवल कुत्तों को ही सुनती है। एक साथ इतने कुत्तों के भौंकने की आवाजें कहां से आ रही है? वो देखो, ने डोगा ने बुलाया होगा, ये हमें फाड़ खाएंगे। भागो, मुझे आसमान से नीचे लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया इंस्पेक्टर। बुड्ढा भाई के अड्डे पर सफलता का जश्न मनाया जा रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा बुड्ढा भाई कि बड़ा भाई और डोगा के पास इंफॉर्मेशन लीक होने के बाद भी हमारा ट्रक सुरक्षित यहाँ आ गया। हाँ आ गया। तुम्हें हैरानी हो रही है जल्लाद, मगर मुझे यकीन था कि ऐसा ही होगा। वो जानते हो स्वीटी, बड़ा भाई तक ये खबर किसने पहुंचाई? खुद मैंने। हाँ मैं उसे परखना चाहता था। मैं उसे एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ जिसके लिए ऐसा कदम उठाना जरूरी था। यह उसकी परीक्षा थी जिसमें वो पास हुआ। जो शख्स डोगा पुलिस और बड़ा भाई के आदमियों से हमारा माल बचा लाया, वो उस जिम्मेदारी के लायक है। आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन है वो? जल्दी बताऊंगा। टाइगर, तुम आंगनबाड़ी में हमारे आदमियों को इकट्ठा करो
मैं एक जरूरी मीटिंग करने वाला हूँ, मैं वहां थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। ये चक्कर क्या है? न जाने बुढ़ा भाई किसे पकड़ लाया है और उसे पता नहीं कौन सी जिम्मेदारी सौंपना चाहता है। जल्दी, अरे बुढ़ा भाई आप, अरे ओ सलीम दुकान खाली कर, शटर गिरा देखता नहीं क्या बे बुढ़ा भाई आइला है। ओ बुढ़ा भाई ए नक्की ओले यहां से। मगर सलीम भाई मेरी सेव, वे खिसक ले कहीं उस तरह दाढ़ी की जगह गर्दन ना बनाने लगे। बुढ़ा भाई अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने आपकी हेयर ड्रेसिंग की थी, फिर इतनी जल्दी हेयर ड्रेसिंग किसी और की करनी है सलमान भाई? किसी और की? किसकी? इसकी। इसे देखकर तुम्हारी पैंट गीली हो गई है, पहले जाकर उसे बदल लो जल्दी। कोबी ये शहर है, यहाँ तो तुम्हें शहरी तौर तरीकों के साथ रहना होगा। इसकी किसी हरकत पर खबर न होना, ये तुम्हारे जंगली लुक को शहरी टच देगा। बुरुज से शुरू करते हैं, इसके मुंह से काफी बदबू आ रही है, इसका क्या करूं? सलमान भाई से ब्रश करना नहीं आता, इसे बताओ कि ब्रश कैसे करना चाहिए। शहर में कोबी के जीवन की एक नई शुरुआत हो गई हो रही थी। खरस खरस गड़ गड़ गड़। जाग देकर डरना नहीं, ये शैम्पू से बनती है, इसे तुम्हारे बाल हल्के चमकदार व खुशबूदार हो जाएंगे। स्टीम बाथ तुम्हें ताजगी से भर देगा। बुड्ढा भाई पूरी 20 बोतल डीओ की छिड़कनी पड़ी है इसके तन की दुर्गंध खत्म करने के लिए। तुम अच्छा काम कर रहे हो, ये जैकेट लो इसके लिए, ये आखिरी टच है तुम्हारी उबड़ खाबड़ दाढ़ी की ट्रिमिंग। जंगली पर शहरी रंग चढ़ रहा है, इस बात से जैन भेड़िया पूजो अनजान थे। भेड़िया जंगल बिना को भी अनाथ है, उसे लाना लाना होगा। वो यहाँ रहेगा तो मेरी तुम्हें फिर से एक करने की उम्मीद बनी रहेगी, वो ही यहाँ नहीं होगा तो वो उम्मीद टूट जाएगी। भेड़िया का जबड़ा सूजा हुआ था, वो बोल पाने में असमर्थ था। इधर तुम हमेशा के लिए अधूरे रह जाओगे, उधर कॉपी और तुम दोनों के बिना यहाँ मैं। लेकिन जेन कॉपी को कहाँ ढूंढोगी? वो कहाँ गया है किसी को भी पता नहीं है। वो शहरी गया होगा क्योंकि जंगल के बाद वो वहीं जा सकता है। कॉपी एक विचित्र भेड़िया प्राणी है जेन, अगर वो शहर गया है तो शहर में उसकी मौजूदगी छुपी नहीं रहेगी। हमें शहर की खबरों के संपर्क में रहना होगा ताकि कहीं से भी कॉपी की खबर पता चलते ही हम उसे वापस लाने का प्रयास कर सके। लेकिन तब तक हमें दुआ करनी होगी कि कॉपी के कारण शहर में और शहर के कारण तो अब कॉपी पर कोई मुसीबत न आए। सचमुच जैन को उस दुआ की जरूरत थी क्योंकि अंडरवर्ल्ड की कुर्सी पर आज बुड्ढा भाई की जगह कॉपी विराजमान था। टाइगर स्वीटी जल्लाद, यही है वो शख्स कॉपी भाई, मैंने अपनी कुर्सी और अपने सारे अधिकार इसे सौंप दिए हैं, ये मेरा वारिस है। आज तक तुम तीनों मेरे वफादार रहे हो, अब इसके रहोगे और इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे संगठन का काम संभालोगे। ये बहरूपिया तुम्हारा वारिस? हा हा बुड्ढा भाई ये क्या मजाक है, ये अंडरवर्ल्ड की कुर्सी है, डराने के लिए गेट पर बैठने वाले दरबान का स्टूल नहीं है। फिर तुमने तो अपने बाद अपने तीनों विश्वास पात्रों टाइगर जल्लाद या स्वीटी में से किसी को अपना वारिस चुनने का वादा किया था। हा 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 मजाक छोड़ो बुड्ढा भाई, इस जोकर को नीचे उतरने को कहो, इस कुर्सी का वारिस इन तीनों में से ही एक बनेगा। बुड्ढा भाई जोकर किसे कहते हैं? जोकर एक मूर्ख किस्म का इंसान होता है जिसकी बेवकूफाना हरकतों से लोगों को हंसी आती है, वो बच्चे जिसे देखकर ताली पीटते हैं। तो इसे बताना होगा कि कॉपी जोकर नहीं है। अरे इसे बताना होगा कि कॉपी को अपने सामने हंसते हुए लोग पसंद नहीं है। मेरे सामने जो भी चेहरा हो वो डरा हुआ होना चाहिए, चल डर कर दिखा। अब सीधा क्यों खड़ा, तेरी टांगे कांपनी चाहिए, कांप, अभी तू थर थर तो कांपा ही नहीं। तेरे चेहरे पर वो खौफ पैदा नहीं हुआ जो कॉपी भाई को देखकर पैदा होना चाहिए। कॉपी ने उसकी खाल निकालकर सूखने के लिए टांग दी।
बुढ़ा भाई उसे रोको, वो उसे मार डालेगा। वो अपने संगठन के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है, उसे परिणाम भुगतने दो। कॉबी ने उसकी खाल निकालकर सूखने के लिए टांग दी थी। तो इस तरह जंगल का सीधा साधा कॉबी बन बैठा मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बादशाह कॉबी भाई। अब डोगा की मुंबई पर क्या कहर बरपाएगा कॉबी भाई, और डोगा अपनी मुंबई को इस जंगल के जल्लाद से कैसे बचाएगा, जानने के लिए इसका अगला पार्ट है एक मयन दो तलवारें। दोस्तों एक कॉमिक सीन पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में एक मयन दो तलवारें।